बात करें मईशत की तो पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से छुटकारा, फैसले की घड़ी आन पहुंची। एफएटीएफ के 5 रोजा अहम इजलास का आज से आगाज होगा, जबकि पाकिस्तान को 12 ममालिक की हिमायत मिलने की उम्मीद है। एफएटीएफ का अहम इजलास आज से पेरिस में शुरू हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के हवाले से फैसला मुतवक्क। पाकिस्तान ने भी सफारती महाज पर 12 ममालिक को अपने हक में वोट के लिए तैयार कर लिया। पेरिस में 37 ममालिक पर मुश्तमिल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इजलास में वफाकी वजीर इक्तसादी उमूर हम्माद अजहर की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द अहदाफ पर अमल दरामद के हवाले से आगाह करेगा। जरा का कहना है कि ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान को 12 ममालिक की हिमायत मिलने की उम्मीद है, जबकि चीन, तुर्की और मलेशिया पहले ही हिमायत कर चुके हैं। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को जून 2018 में ग्रे फहरिस्त में डालकर 27 एक्शन प्लान्स के तहत सितंबर 2019 तक का वक्त दिया था, तहम बाद में मुद्दत मजीद 3 माह बढ़ा दी गई थी।